अगली खबर जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से है, जहां खराब सेवाई व्यवस्था से नाराज व्यापारियों ने नगर निगम पहुंचकर निगम की उपनगर आयुक्त शिप्रा जोशी का घेराव कर सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। बता दें कि व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा के साथ तमाम व्यापारी नगर निगम कार्यालय पहुंचे और उपनगर आयुक्त का घेराव कर बदहाल सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताई। इसी दौरान व्यापारी नेताओं ने कहा कि लगभग एक सप्ताह पहले काशीपुर बाईपास मार्ग पर नाले की सफाई हुई थी, जिसमें नालों का कूड़ा निकालकर नाले के पास ही रख दिया गया। इतने दिन बीतने के बावजूद कचरा उठाया नहीं गया। इसी क्रम में व्यापार मंडल अध्यक्ष ने कहा कि अगर जल सफाई व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया तो नगर निगम में व्यापारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। देखिए, हम लोग यहाँ नगर निगम की जो SN है, हम लोग उनसे मिलने आए थे और अपना रोष भी प्रकट करने आए थे, अपना गुस्सा भी प्रकट करने आए थे हम लोग, क्योंकि रुद्रपुर शहर में सफाई बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। पिछले बहुत समय से सफाई रुद्रपुर शहर के अंदर हो ही नहीं रही है। अभी आज से लगभग 5-7 दिन पहले काशीपुर बाईपास रोड पर सफाई हुई थी, बिल्कुल इन्होंने तली झाड़ निकाली, सफाई करी थी, लेकिन 5-7 दिन के बाद भी वो जो गंदगी थी वो गंदगी वहीं की वहीं रह गई। अब इतनी भीषण गर्मी है, गर्मी में कूड़ा नेक्स्ट डे अगर 10-12 घंटे में सूख जाता है। अब वो कूड़ा सूखने के बाद वो मिट्टी जो होती है फिर हमारी आंखों में, हमारे जो काशी बाईपास रोड के व्यापारी हैं उनकी आंखों में जा रही है, हमारे जो जो आम कस्टमर है उनकी आंखों में जा रही है, जो दुनिया चलती फिरती है, हजारों लाखों लोग वहाँ से आते जाते हैं रोज, उनकी आंखों में जा रही है। तो रुद्रपुर शहर का बहुत बुरा हाल है सफाई को लेकर। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, जगह जगह गंदगी के अंबार हैं। क्या नगर निगम के लोग ये चाहते हैं रुद्रपुर शहर के अंदर क्या बीमारियाँ फैल जाए, क्या रुद्रपुर शहर के अंदर क्या महामारी फैल जाए, क्या? तो महामारी फैलने का ये लोग चाहते ही तो आमंत्रित कर रहे हैं महामारी फैलने के लिए, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग जागरूक लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, कर कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इन लोगों ने काशी बाईपास में आज से लगभग 1.5-2 महीने पहले सफाई की थी इन्होंने, हमारे सारे जो हमारे जो नाले के ऊपर, व्यापार मंडल के सदस्य आए थे यहाँ, इसमें उनकी समस्या एक कुछ समस्याएं को लेकर के आए थे कि जो नाली सफाई का काम जो आजकल बरसात से पहले चलता है निगम का वो शुरू हुआ है, और लेकिन उसमें जो कार्य किया गया है उसमें कूड़ा उठान नहीं हुआ है। एक तो समस्या ये थी, दूसरी समस्या उनका ये कहना था कि कई जगहों पर नाली सफाई नहीं हुई है, क्योंकि हमारी अभी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें जोन वाइज हमने इसमें बांट रखा है, वार्ड वाइज हमने क्षेत्र बांटा है नाली सफाई के लिए। जैसे जैसे क्षेत्र एक क्षेत्र की सफाई होती रहेगी तो वो कार्य आगे बढ़ता जाएगा, तो ये सफाई हमारी पूरी करवा दी जाएगी।